बारिश हो रही है और वो वहाँ पे बस स्टॉप पे खड़े हैं। आज हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं अकेले। मालगुड़ी डेज याद आ गई मुझे। हाँ बिल्कुल, ऐसे लग रहा है कि फोटो खींच के किसने चिपका दी है। मतलब ये तो मुझे सेक्टर 6 वाला जो अपना वो है ना, हिंट चौक गाजियाबाद का, वैसा लग रहा है। मेन गुड न्यूज ये है कि हेलो जी, गुड मॉर्निंग। विक्रांत गए हैं कबीर को छोड़ने के लिए। मैं थोड़ी जल्दी में हूँ क्योंकि फिर से हम लोग अम्ब्रेला भूल गए, मतलब विक्रांत अम्ब्रेला भूल गए। एक्चुअली होता क्या है कि उसको सुखाने के लिए रख देते हैं और वो वही रखा रह जाता है, और उनकी बस ऑलमोस्ट आ ही गई होगी आई गेस। तो मैं जा रही हूँ ये उनको अम्ब्रेला देने के लिए। फटाफट से अम्ब्रेला देती हूँ और फिर इतनी तेज बारिश हो रही है ये बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, और वो वहाँ पे बस स्टॉप पे खड़े हैं। फाइनली उनको छाता मैंने पकड़ा दिया है किसी तरीके से। वो आ गई बस। अरे एक और ओहो, ध्यान से वो देखो प्रियंका भाग के जा रही है। ये हमारे काम ऐसे ही है। वैसे मैं भी भागती हुई, मुझे पता था ये वाली स्लीपर्स पहनी हुई है और ये गीली हो गई। नाइट सूट में मम्मा पजामाज मम्माज इन पजामाज छाते देते फिर रहे हम एक्चुअली में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सुबह की भागम दौड़ी तो आपने देख ही ली थी। रहे विक्रांत तो उनके पास है बड़ा वाला छाता, मेरे पास है कबीर का छाता, हमारे पास बस यही छाते हैं। तो हम इनको लेके निकले हैं आज टेस्ट कराने जाने के लिए, क्योंकि मेरा है टेस्ट शोल्डर का। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं और यहाँ से एक्चुअली में बहुत दूर है। कितना, एक घंटा 40 मिनट तो कम से कम लगेंगे। okay. ज़्यादा भी लग सकते हैं तो मोटा मोटा एक घंटा दूर है यहाँ से वो लैब जहाँ पे वो टेस्ट होगा। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ, बारिश हो रही है बहुत अच्छी खासी। तो अभी हम जाएंगे कैसे, हम लोग जाएंगे ट्रेन से। तो आज हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं अकेले, कबीर है स्कूल में। पर ये देखो बारिश, इस छाते का भी वैसे कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, बस हाँ ये है कि सर पे नहीं पड़ रही है, क्योंकि 2 दिन से मैं बारिश में भीग रही हूँ और रोज़ रात को मेरे को हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ हेल्प। ओ थैंक यू। कौन सा गाना याद आ रहा है आज? कोई गाना नहीं याद आ रहा क्योंकि बारिश गंदी हो रही है। नहीं, मुझे तो मेरा फेवरेट सॉन्ग याद आ रहा है, कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो। मतलब सारे गाने वो पुराने बारिश वाले सॉन्ग ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, वहाँ पे मैं अपडेट करती रहती हूँ चल क्या रहा है। यहाँ से पहले वहाँ अपडेट हो चुका होगा तो कर लो फॉलो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। जा रहे हैं स्टेशन की तरफ, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और मैंने बैग ना अपना आगे रखा है, पीछे नहीं रखा क्योंकि पीछे तो ये बेचारा गीला हो जाएगा। तो भागते हैं फिर मिलते हैं। चलो आ गए हम स्टेशन, पास में ही है। चलिए ओके लेट्स गो। ट्रेन की पटरियां देख के कैसा लगता है ना, अलग सा कुछ फील होता है ना, क्यों होता नहीं है? ट्रेन की पटरी देख के अलग सा नहीं फील होता, कुछ अजीब सा, मतलब क्या बोलेंगे उस फीलिंग को, लिटिल घबराहट, लिटिल एक्साइटमेंट, कहीं जाने का एहसास। हाँ तो, कि हम कहीं जा रहे हैं इस जगह से, कहीं दूसरी जगह। ये देखो, और इस समय तो लिटरली ये मतलब पटरियाँ ना इतनी सुंदर लग रही हैं। देखो वहाँ सामने पटरी पे जो ये ऐसे कड़ियाँ नहीं लगी हुई, ऐसे नहीं लग रही किसी लड़की की हील हो, बताओ। ये देखो मैं आपको भी दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं लग रहा जैसे किसी छोटे बच्चे की, छोटे प्रिंसेस की हील रखी हुई है, जैसे हाथ से अभी छोटे प्रिंसेस की पूरी क्या बोलेंगे उसको, रैली निकलेगी और वो अपने अपने जूते पहन के आगे निकल जाएंगे, जस्ट लाइक अ सिंड्रेला शो। लग नहीं रही, बताओ लग रही है ना, जैसे छोटे बच्चे की। आप बोल रहे हो तो लग रही है, मैं बोलता हूँ आपको लग रहा है तो लग रही है, आपने बोला तो यहाँ से देखो तो आपने जो बोला फिर लग रही है, अगर पहले से नहीं इतनी अच्छी इमेजिनेशन हमारी। ओह माय गॉड, देखा हम पटरी की उसको हम ही बना देना। हाँ
पटरी की कड़ियों आर्टिस्टिक क्रिएटिव माइंड यू नो दैट आई एम सो क्रिएटिव. बारिश कैसे गिर रही है ना, मतलब बड़ा ही मुझे ना ऐसे उसको क्या बोलेंगे, नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है. बताओ, मुझे नहीं पता. काइंड ऑफ ऐसे पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है और ये सुनसान पटरियाँ लंबी दूर कहीं हम सबको लेके जाएंगी. सरियल सा फील हो रहा है ना. नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक तो होता है कि कुछ पुराना याद आ गया. पुराना ही है मतलब, जो हम कभी एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज़ें हमें एकदम से याद आती हैं. ऐसा ही है कुछ, मुझे तो ऐसा ही कुछ हो रहा है. okay. अजीब अजीब सा, जैसे कहीं वैष्णो देवी में खड़े हैं और ये सामने वाले जो हैं ये पहाड़ है, ऐसे कोई पटरी निकल रही है गाड़ी और रेलगाड़ी निकलेगी. मालगुड़ी डेज है ना, लिटरली मालगुड़ी, क्योंकि उसमें ऐसे पुल भी बना होता था, ट्रेन निकलती थी. हाँ यार, मालगुड़ी डेज याद आ गई मुझे. ओ कुछ अजीब से हो रहा है. वहाँ पे ऐसे वो लगा होता था ना घड़ी, एक छोटी सी घड़ी लगी होती थी, रेलगाड़ी का घंटा घड़ी. सच में यार अनरियल सा लग रहा है. एक्चुअली में छोटी सी ट्रेन आई है यार ये. रुको 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 रुको. मैं तो कितने दिनों के बाद ट्रेन में चढ़ रही हूँ, जब से यहाँ शिफ्ट हो गए तब से तो मैं ट्रेन में चढ़ी नहीं हूँ. ओह गॉड, मुझे कितना अजीब सा लग रहा है ट्रेन में आके. बहुत टाइम के बाद मैं ट्रेन में आ रही हूँ, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है. मैं तो हफ्ते में एक बार तो आई जाते हो आप ऑफिस जाना होता तो जिस दिन तो शहर नहीं जाता तो ट्रेन से जाता हूँ ना, तो मुझे ऐसे अजीब की लग रहा है. मुझे तो बहुत ही अलग सा लग रहा है, पता नहीं जैसे मैं कहीं शिमला मनाली जा रही हूँ. कुछ कबीर साथ में नहीं है ना. अभी पहुंच जाओगे शिमला मनाली जहाँ पे वो कहेंगे अगर उसने इंजेक्शन लगाया तो. I don't think so. इंजेक्शन लगेगा, मैं मारूंगी इंजेक्शन लगाया तो. किसको? उसे डॉक्टर. पैसे भी दोगे और मारोगे? हाँ, पैसे दे रहे हो तो मार खा ही सकता है फिर तो. What you do? ऐसे लग रहा है कि फोटो खींच के किसी ने चिपका दी है, मतलब शीशे पे ना बारिश आ रही है वरना दिख नहीं रही है. बड़ी सुंदर पेंटिंग कर रखी है किसी ने, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेफिटी ना. एक्सप्रेशन देखो उनके ना, मतलब एक एक जैसे आँख के पास रिंकल जा रहे हैं, वो एक एक्सप्रेशन है प्रॉपर. यहाँ पे ग्रेफिटी कपिल देव नहीं लग रहे. कपिल देव 83 में जैसे वो कपिल देव ने बेल्जियम का फ्लैग पकड़ा हुआ है. ओ, हो रही है लेकिन हल्की है बारिश ना. नहीं यार, कुछ अमरूद जैसी खुशबू आई है. अमरूद कुछ तो ऐसी आई है जो मीठी होती है एकदम से. नहीं नहीं, वो एक्चुअली जो जैसे प्रॉपर लकड़ी मतलब पेड़ होते हैं ना, पेड़ जब बारिश बारिश होती है तो जंगल में पेड़ों की जो खुशबू सी होती है ना वैसी आई. बाबू मैं तो कभी जंगल में गई नहीं हूँ तो मुझे इतना पता नहीं है. मैं तो जंगलों में रहा हूँ. लेके जाते मैं तो जंगली हूँ, जंगली लेके जाते तो पता चलता है ना. अब बताओ मतलब. और नहीं तो क्या है ना भाई. भाई मैंने तो अमरूद खाया है और अमरूद की खुशबू आ रही है मुझे, बहुत ही मीठे वाले अमरूद जो होते हैं ना उनकी खुशबू आ रही है. सही में ये भी अलग ही एरिया यार है ना. इतनी सारी ट्राम निकल रही है यहाँ पे, दो तीन ट्राम एक साथ निकल रही है. छोटू सी कार अब देखो. चलिए ये भी अच्छा एक एक्सप्लोर करने वाला दिन हो गया है.
चीजों को। ये तो मुझे सेक्टर 6 वाला जो अपना वो है ना हिंट चौक गाजियाबाद का वैसा लग रहा है। हाँ बस ट्रैम नहीं आती वहाँ। वैसे भी ये इसका स्टेशन का नाम था बुंदाल, बुंदाल मैंने कहा बुंदेलखंड टाइप लग रहा है। यूरोप है यार, वैसे खूबसूरती तो बहुत है यहाँ पे। पुराने शहर है ना, पुराने शहरों में यूरोप के पुराने आर्किटेक्चर को देखोगे तो बहुत ही सुंदर लगता है। वैसे ये बिल्डिंग नई बनी हुई, अच्छी बनी हुई है। अपार्टमेंट वगैरह काफी बने हुए यहाँ पे, पर मतलब जो ग्रीनरी है, जो क्या बोलेंगे, हाँ आर्किटेक्चर, ग्रीनरी, आसपास की सराउंडिंग यार बहुत ही खूबसूरत है, नो डाउट। लैंड होती है ना सारी चीजें यहाँ पे, तो उस हिसाब से मतलब ग्रीनरी भी प्लान होती है कि भाई इतनी ग्रीनरी तो रहनी ही पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इन पे भी आएंगे पूरे ना, ये अभी लीव्स वगैरह पूरी आएंगी। नाइस, तो बहुत ज़्यादा अपने गाज़ियाबाद की फीलिंग दे रहा है। जहाँ पे अगर कोई गाज़ियाबाद से मुझे देख रहा है इन दिनों हिंट चौक, तो वहाँ पे जो साइड में गलियाँ निकलती है ना, वहाँ पे भी ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, तो मुझे तो बिल्कुल वहाँ वाली फीलिंग आ रही है अभी इस समय। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी यहाँ पे कोई यूरोप वाला बंदा प्रॉपर सुन लेगा, उसको क्या समझ में आएगा वो के गाजियाबाद से कंपेयर कर रहे हैं, क्या बात उनको है? वो बड़ा गाजियाबाद घूम कर आया है ना, जो वो कहते हैं यूरोप को गाजियाबाद से कंपेयर कर रहे हैं। आप ये सोचो कि गाजियाबाद को यूरोप से कंपेयर कर रहे हैं, तो कितनी डेवलपमेंट हुई है। यस एक्चुअली में यार, एक्चुअली में अपना गाजियाबाद, अपना इंडिया अपना है। तो चलो चलते हैं और पहुंचते हैं और टेस्ट कराते हैं क्या होने वाला है, फिर बताएंगे। ओके देखो इन्होंने मेंटेन कितना कर रखा है ये लॉन अपना, है ना। अपार्टमेंट ये क्या है, बड़ा ही सुंदर कर रहा है सामने वाले। ये कितने बजे की थी? 10:40। अरे अभी कितना हुआ टाइम? आई डोंट नो, चेक करना पड़ेगा। 10:10 है। हाँ अपार्टमेंट ही है कोई, ये बहुत ही सुंदर लॉन इन्होंने मेंटेन किया हुआ। आगे है हमारे पास। ओके फिर ठीक है, अगर टाइम हुआ तो वो जल्दी कर देगी ना, कर देंगे अगर डॉक्टर फ्री हुए तो। जल्दी यहाँ पे ऐसे करते नहीं है, देखते हैं। तो ये है वो मेडिकल सेंटर, मतलब एड्रेस तो सही था, पर अब जाके देखते हैं। ये प्राइवेट है, मतलब प्राइवेट वन, जाके देखते हैं आप। लेट्स गो। जी हो गया है टेस्ट और हम लोग आ गए हैं स्टेशन वापस। और ये देखो यहाँ पे ये कैसे बने हुए हैं, घर से बने हुए। हाँ वो तो डर भी लग रहा है इसके अंदर जाते हुए। आपको तो सर लग जाएगा। आती है तो वो सीरियस भी हो सकती है, तो इसलिए तो बट
सब ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और डॉक्टर ने बहुत अच्छे से बोला कि यू आर फाइन, योर नर्व्स आर फाइन. मैंने कहा थैंक यू. सो तो प्राइवेट में कराया था ना, तो लोग सोच रहे होंगे कि प्राइवेट में कितना पैसा लगा. तो यहाँ पे हम लोग का जो आया वो आया कितना, 55 यूरोस. और वो कैश ही ले रहे थे, बट हाँ ऑनलाइन बैंकिंग भी था. ऑनलाइन बैंकिंग था, कार्ड नहीं लिया, कार्ड नहीं था वहाँ पे. तो 55 जो है आया. और अब देखते हैं कि इंश्योरेंस से कितना क्लेम कर सकते हैं हम लोग, कितना रिमबर्स कर सकते हैं, तो वो ये देखेंगे. और मेन गुड न्यूज ये है कि उस टेस्ट में कुछ भी पंगा नहीं आया है. हाँ, सब कुछ नॉर्मल है. अब नेक्स्ट है हमारा शाम की अपॉइंटमेंट है. तब कबीर भी होगा हमारे साथ. एक्सरे करवाना है अब, जो कि है शाम में 4:30 बजे ना. तो अब जाके इनको तो काम करना है. मुझे ये था कि हम लोग जल्दी फ्री हो गए तो किसी कैफे वगैरह में बैठते हैं, बट कैफे बहुत दूर थे वहाँ से, क्योंकि वो जो सारा एरिया था वो रेजिडेंट एरिया लग रहा था सारा. हाँ, ना रेजिडेंशियल एरिया था, प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया. तो वहाँ पे कोई कैफे वगैरह नहीं था. तो अब जाते हैं अपने ही घर के आसपास, देखते हैं. क्योंकि मुझे, मैंने कुछ भी नहीं खाया सुबह से, कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया. और अभी टाइम हो रहा है कितना, टाइम तो ज़्यादा नहीं हो रहा है वैसे, 11 ही बजा है. बट बाहर निकले हो कुछ खाओ ना, तो फिर ऐसे कैसे. तो एक कॉफ़ी तो पियेंगे. तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे. ठीक है. Oh yeah.